नमस्कार दोस्तों, यूटीबी न्यूज 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साउथहैम्पटन से बहुत बुरी खबर आ रही है सामने, क्योंकि साउथहैम्पटन में बीती रात बहुत बारिश हुई है। पूरी रात वहां पर बहुत तेज बारिश हुई है। उसके बाद बीसीसीआई ने खुद एक पोस्ट किया, उसमें बताया कि पानी कैसे अभी भी पिच पर भरा हुआ है और पिच पूरी कवर्ड है। उसके बाद दोस्तों, मैदान अभी गीला है तो मैच अभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, WTC फाइनल 2021 का जो मुकाबला था इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, पहले दिन का मुकाबला 18 तारीख को स्टार्ट होने वाला था, मगर 18 तारीख को मैच स्टार्ट नहीं हो सका और बारिश ने उस मुकाबले को धो दिया पहले दिन के को, क्योंकि बारिश ऐसी पड़ी, बहुत तेज बारिश थी उस दिन। उसके बाद दोस्तों, दो दिन मुकाबले खेले गए। सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए, जहां पर सबसे ज़्यादा अजिंक्य रहाणे ने 49 रन की पारी खेली, कप्तान विराट कोहली ने 44 रन की पारी खेली, रोहित शर्मा ने 34 रन की पारी खेली, सुमन गिल ने 28 रन की पारी खेली। भारत की ओर से कोई भी गेंदबाज ज़्यादा नहीं चल सका। हालांकि अश्विन ने टॉम लेथम को 30 रन पे आउट कर दिया है, ईशान शर्मा ने डेविन कॉनवे को 54 रन पे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है और कोई भी गेंदबाज नहीं चल सका है भारत की ओर से। तो दोस्तों, आज सुबह से भी लगातार बारिश जारी है साउथहैम्पटन के मैदान पर और अब दो दिन का वक्त शेष है, यानी कि दोस्तों 18 तारीख तो कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। उसके बाद 19 तारीख को मैच खेला गया, 20 तारीख को मैच खेला गया और आज 21 तारीख को चौथा दिन था टेस्ट मुकाबले का, WTC फाइनल का। आज भी मैच नहीं होगा क्योंकि बारिश लगातार वहाँ पर गिर रही है, पिच बिल्कुल गीली है। और दोस्तों, अब बचा 22 तारीख और 23 तारीख। अभी भी दोस्तों दोनों टीमों ने एक एक पारी नहीं खेली है, तो बचे दो दिनों में ये फैसला नहीं हो सकता और हमें रिजल्ट नहीं मिल सकता। इस वजह से दोस्तों, हो सकता है कि हमें चैंपियन मिलने में अभी 2 साल और इंतजार करना पड़े और 144 साल से जो इंतजार कर रहे थे उसको 146 साल कर दिया जाए, क्योंकि बारिश ने ऐसा करने का ठान लिया है। फिलहाल इस खबर में इतनी था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।